राज्य सचिवालय या शासन सचिवालय की कार्य फंक्शंस ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट। यहाँ सचिवालय के कार्यों से तात्पर्य क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। सचिवालय मूल रूप से होता क्या है, विभागों का सामूहिक नाम सचिवालय है। एक स्टेट में जितने भी विभाग होते हैं उनको सामूहिक रूप में सचिवालय कहा जाता है। तो सचिवालय के कार्यों से तात्पर्य है किसी एक विभाग के कार्य या एक से अधिक विभागों के, विभागों में अधिकांश विभागों में लगभग कार्य समान ही होते हैं, तो उन विभागों के कार्यों को सचिवालय के ही कार्य माना जाता है। तो सचिवालय के कार्यों से संबंध है किसी एक विभाग या विभागों के समूह है कि कार्य, क्योंकि प्रत्येक विभाग है वो इन सब कार्यों में योगदान करता है। तो सचिवालय के कार्य समझते हैं कौन कौन से हैं। पहला है नीति या योजना निर्माण। जो राज्य सूची के विषय हैं, जिन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, नीतियां बना सकती है, उनमें सचिवालय का ये महत्वपूर्ण कार्य होता है कि राज्य के विकास के लिए तथा जन कल्याण के लिए वो नीतियों का, योजनाओं का निर्माण करे। तो नीति निर्माण का सर्वोच्च जो निकाय होता है वह सचिवालय ही होता है। ये जो नीतियां होती है, यह जो दल सत्ता में होता है उस दल की नीतियों के अनुरूप योजनाएं बनती है, क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चुनाव घोषणा पत्र में वादे करके सरकार सत्ता में आती है तो उन्हीं के अनुरूप योजनाएं बनानी पड़ती है। कानून या नियम बनाना। जो प्रमुख प्रशासनिक कार्य होते हैं उनका जो आधार होते हैं वो संविधान सम्मत नियम या कानून ही होते हैं। तो उन कानूनों को बनाने में, नियमों को बनाने में सचिवालय का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगला जो कार्य है सचिवालय का वो है प्रशासनिक कार्य संचालन एवं नेतृत्व। तो प्रशासनिक रूप से जो सर्वोच्च संस्था होती है वह सचिवालय ही होता है। प्रशासनिक नियंत्रण के समस्त कार्य जो कि विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षण मार्गदर्शन के लिए किए जाते हैं और समस्त प्रकार के जो विभाग हैं उनका प्रशासनिक नियंत्रण और नेतृत्व शासन सचिवालय या राज्य सचिवालय के द्वारा किया जाता है। राज्य के जो भी कार्मिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन सब कर्मचारियों की व्यवस्था, उनकी भर्ती, रिक्रूटमेंट, प्रशिक्षण, वेतन और जो सेवा शर्तें होती है उन सब का निर्धारण सचिवालय के द्वारा किया जाता है। तो राज्य के समस्त कार्मिकों की हर प्रकार की व्यवस्था के लिए राज्य सचिवालय ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है। राज्य सरकार के विभिन्न जो विभाग होते हैं उनमें आपसी समन्वय के माध्यम से राज्य की योजनाओं को गति दी जाती है। तो विभागीय समन्वय में भी सचिवालय है उसका महत्वपूर्ण योगदान है, तथा स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं, जो एजेंसीज हैं, तथा विभिन्न केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से जो भी समन्वय की आवश्यकता होती है वो सचिवालय के द्वारा ही पूरी की जाती है। राज्य प्रशासन तथा संघ सरकार या सरकारी संस्थाएं हों, निजी संस्थाएं हों, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, तथा विभिन्न प्रकार के विभाग हैं, राजनेताओं, कर्मचारियों के संगठनों, इन सब के माध्यम से कोई भी समन्वय की गतिविधि होती है वो शीर्ष स्तर पर सचिवालय द्वारा ही संपादित
की जाती है। वार्षिक आय व्यय विवरण, जिसको आम तौर पर बजट कहा जाता है, उसके निर्माण, उसको बनाने की तथा उनके क्रियान्वयन की जो व्यवस्था होती है, वो भी विभिन्न विभागों के माध्यम से ही संपादित की जाती है। प्रत्येक विभाग का जो बजट है या वार्षिक आय व्यय विवरण है, वो आइटम वाइज या मदवार तैयार किया जाता है, और जो भी सेवाएं और कर इसमें जोड़े जाने हैं, उनको सचिवालय द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की जाती है। जनसंपर्क एवं जन शिकायत निवारण, यह भी सचिवालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि जो सरकार है तथा जनता है, उसके बीच सचिवालय एक इंटरफेस के रूप में काम में आता है, कि जनता से संपर्क करना हो या जनता की शिकायतों का निवारण करना हो, राज्य की समस्त जो योजनाएं हैं उनको प्रसारित करना, प्रचारित करना, जनता को सूचना देना, यह कार्य सचिवालय ही करता है, तथा जनता की जो भी शिकायतें होती है या किसी भी प्रकार के कोई संपर्क सूत्र है, संचार का कार्य है, वो भी सचिवालय द्वारा ही संपादित किया जाता है। नियंत्रण तथा मूल्यांकन, कोई भी कार्य होता है उसकी प्रगति को देखने के लिए उस पर समय समय पर निगरानी रखी जानी जरूरी है, तो जितने भी विभाग हैं उन सब विभागों पर नियंत्रण और विभागों के कार्यों का जो मूल्यांकन है, अर्थात उनकी प्रगति का मूल्यांकन है, वो भी सचिवालय द्वारा ही किया जाता है। तथ्य एकत्रण तथा प्रतिवेदन तैयार करना, जितने भी विभाग होते हैं वे सभी विभाग विभिन्न प्रकार के तथ्य, सूचनाएं, आंकड़े इत्यादि तैयार करते हैं, ताकि इनसे नीति निर्माण या योजना बनाई जा सके। इन सब में ये जो तथ्य एकत्रण का कार्य है, ये बड़ा ही सहायक सिद्ध होता है, और विभिन्न प्रकार के विभागों की जो रिपोर्ट्स होती है उनके माध्यम से भी प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता है, और ये विवरण होते हैं ये योजनाओं को समझने में तथा योजनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करने में भी काम आते हैं। इसलिए तथ्य एकत्रण तथा प्रतिवेदन तैयार करने का काम भी सचिवालय का होता है। तो सचिवालय या विभागों के जो कार्य होते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। विभागों को सामूहिक रूप से सचिवालय कहा जाता है, तो विभागों के कार्य ही सचिवालय के कार्य माने जाते हैं। राजस्थान में सचिवालय की प्रक्रियाओं में सुधार हेतु तथा विभिन्न विभागों को प्रशासनिक दृष्टि से अच्छा बनाने हेतु कई प्रशासनिक सुधार किए गए हैं, जिनमें कुछ सचिवालय से संबंधित प्रशासनिक सुधार हैं, उनका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि राजस्थान राज्य में कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं, प्रशासनिक सुधार हुए हैं, उन प्रयासों का हम जिक्र करेंगे। इनमें सबसे पहले राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति गठित की गई थी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, जिसको हरिश्चंद्र माथुर समिति भी कहा जाता है। हरिश्चंद्र माथुर समिति, इस समिति ने लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसके पश्चात 1973 में बाद में लोकायुक्त की स्थापना भी हुई। RARC 1963 में इस समिति को हरिश्चंद्र माथुर समिति भी कहा जाता है। 1966 से 1970 तक जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग भारत में गठित किया गया था, ARC फर्स्ट, उसके माध्यम से भी राज्यों के सचिवालयों में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में प्रशासनिक सुधार के लिए कहा गया था, जिसका विस्तृत अध्ययन हम बाद की कक्षाओं में करेंगे। 1969 में राजस्थान राज्य में
सचिवालय पुनर्गठन समिति, जिसको मुखर्जी समिति या श्री मोहन मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे, इसको मुखर्जी समिति भी कहा जाता है। श्री मोहन मुखर्जी राजस्थान के 2 बार मुख्य सचिव रहे थे, चीफ सेक्रेटरी। मोहन मुखर्जी समिति ने सेल प्रकोष्ठ की जगह ग्रुप सिस्टम लागू किया था। सचिवालय में पहले सेल सिस्टम लागू था, सेल सिस्टम को ग्रुप सिस्टम में बदलने की सिफारिश इस समिति ने की थी, सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 में। फिर एक प्रशासनिक सुधार के तहत सचिवालय प्रक्रिया समिति का गठन भी 1971 में हुआ था। 1992 से 1995 तक प्रशासन सुधार समिति, जिसको भनोत समिति भी कहा जाता है, भनोत समिति, ये श्री जी के भनोत के नाम पर है। भनोत समिति ने भी प्रशासन में सुधार की अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी, तथा 1999 से 2001 में राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे श्री शिवचरण माथुर, और इनके नाम पर ही इस आयोग को माथुर आयोग अथवा शिवचरण माथुर आयोग कहा जाता है। तो ये सचिवालय से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सुधार के जो प्रयास हुए हैं, उन प्रयासों का जिक्र है, जो कि स्पेशली राजस्थान स्टेट से संबंधित है। इसमें एक प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम, जो कि भारत में गठित किया गया था, उसका भी जिक्र है। इसमें भी राज्य सचिवालय के बारे में विभिन्न प्रकार की रिकमेंडेशंस की गई थी, जैसे कि मुख्य सचिव के पास इतना समय होना चाहिए कि वो नीतिगत निर्णयों में अपना प्रमुख योगदान कर सके, इसलिए मुख्य सचिव का कार्यकाल है वो लंबा होना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग की अन्य सिफारिशों में यह भी कहा गया है कि जो सचिवालय होता है, सचिवालय को जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन्हीं को हाथ में लेना चाहिए, जो नीतिगत निर्णय होते हैं केवल उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि सचिवालय की जो स्थिति होती है वो शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर एक संस्था होती है, इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा नीतिगत निर्णय जैसे कार्यों को हाथ में ले सचिवालय, और जो भी इसके अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी नियुक्ति लंबे समय के लिए हो और केवल वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा जाए। अधिकारियों की नियुक्ति में वरिष्ठता सह योग्यता, सीनियोरिटी, के साथ साथ योग्यता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति थी, मुखर्जी समिति जिसको कहा जाता है, इन्होंने जो प्रकोष्ठ व्यवस्था या सेल सिस्टम था उसको ग्रुप सिस्टम में तब्दील किया था। इन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि सेल सिस्टम की बजाय ग्रुप सिस्टम अपनाया जाए, तो आज भी यह लागू है, और हम विभिन्न प्रकार के जो विभागीय आदेश हैं उनमें देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप से आदेश आते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इस प्रकार से विभाग को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले इसकी जगह 1960 में मेहता कमेटी थी, या हम कह सकते हैं कि B.S. मेहता के नेतृत्व में विभागों को सेल सिस्टम या प्रकोष्ठों में बांटा गया था। सचिवालय के विभागों को 1960 में सेल्स या प्रकोष्ठ में बांटकर सेल सिस्टम लागू किया गया था, जिसको बाद में 1969-70 में मुखर्जी समिति की सिफारिश पर ग्रुप सिस्टम में तब्दील किया गया।